हे इट्स अक्षय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किचन फ्लेम्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये लहसुनी भुना मुर्गी रेसिपी। अगर आप वही पुरानी चिकन करी खाते खाते थक गए हैं और आपको चाहिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट, थोड़ा स्पाइसी, तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस डिश में मैंने कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया है, घर में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार किया है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, मैंने इस डिश में एक तड़का भी लगाया है जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। लहसुनी भुना मुर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहां मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है एक छोटा चम्मच सौंफ, दो छोटी दालचीनी की स्टिक्स, एक छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा जावित्री का फूल, एक बड़ी इलायची, एक चौथाई जायफल, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, एक छोटा चम्मच शाहजीरा, 3 छोटी इलायची, 1 तेजपत्ता और 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया के। इन सभी खड़े मसालों को हम एक पैन में हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। ध्यान रहे आपकी फ्लेम इस वक्त लो टू मीडियम होनी चाहिए। तो यहां मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, बस जायफल को आपने ऐसे ग्रेट करके डालना है, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। अब हम इन सभी मसालों को 2 से 3 मिनट भूनेंगे ऑन अ लो टू मीडियम फ्लेम। इन मसालों को भूनते मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा करके एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। ब्लेंडर जार में डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच भुना जीरे का पाउडर। अगर आपके पास साबुत जीरा हो तो आप बाकी खड़े मसालों के साथ उसे भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। मेरे पास ये भुने जीरे का पाउडर है इस वक्त, तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ। इन सभी मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरीके से पिस चुके हैं, अब आइए चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। गाइस, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 प्याज लिए हैं। इनका छिलका निकाल के हम इन्हें ब्लेंडर में डाल देंगे और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। हमारे सारे प्याज अच्छे से पिस चुके हैं, इसको हम रखते हैं साइड में। और मैंने यहाँ लिया है लहसुन, तो यहाँ मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली हैं। साथ ही में मैंने यहाँ लिया है 10 हरी मिर्चें। घबराइए मत, ये तीखी वाली मिर्चें नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप कम तीखा खाना चाहें तो आप 10 की जगह 5 मिर्चें ले सकते हैं। और लास्टली मैंने यहाँ लिया है ये अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट और प्याज का पेस्ट एकदम रेडी है, अब आइए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब यहाँ मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं डाल रहा हूँ 5 से 6 टेबलस्पून सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। अब इस ऑयल को हमें तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि मस्टर्ड ऑयल का जो कच्चापन है, जो रॉनेस है, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से जल चुका है। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे अपने प्याज का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये पूरी तरह से पक नहीं जाते। गाइस, 15 मिनट की भुनाई के बाद इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपने अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसे भी भूनेंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऑन मीडियम फ्लेम। गाइस, इन सब रेसिपीज में मसालों का अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, सो मेक श्योर आप इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना भूनें। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें वो मसाला डालेंगे जो हमने बना के रखा था। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसे हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चिकन के पीसेस। तो यहाँ मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो के क्लीन कर लिया है। इसको डालने के बाद हम इनकी भुनाई करेंगे करीब 7 से 8 मिनट के लिए ऑन अ हाई फ्लेम। मेक श्योर आपकी फ्लेम इस वक्त हाई होनी चाहिए, और अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से जल रहा है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हमें 7 से 8 मिनट भूनना है ऑन हाई फ्लेम।
चिकन को भूनते करीब 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगा स्वाद अनुसार नमक, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगा 1 कप के करीब पानी। इसे हम हल्का सा मिक्स करके अब हम इसमें लगा देंगे अपने कुकर का लिड और इसे हम देंगे सिर्फ 1 सीटी ऑन हाई फ्लेम। गाइस, सीटी आने के बाद मेक श्योर आप लिड तुरंत ना खोलें, इसे नेचुरली डी प्रेशराइज्ड होने दें, यानी अपने आप इसका प्रेशर निकलने दें। तो जब तक इसका प्रेशर निकल रहा है, आइए बनाते हैं एक तड़का। तो तड़का बहुत ही सिंपल है। यहाँ मैंने सरसों के तेल को अच्छे से जला लिया है। इसमें मैं डालूंगा 1/2 टीस्पून कलौंजी या मंगरेल जैसे कहते हैं, 5 से 6 लहसुन और 2 लाल मिर्चें। इन्हें हम 10 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम अपने प्रेशर कुकर का लिड खोलेंगे और इसमें अपना बना हुआ तड़का डाल देंगे। तड़का डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और इसे ऐसे क्रश करके हम डाल देंगे। इस वक्त आप यहाँ फ्रेश धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। आपका लहसुनी भुना मुर्ग बनके एकदम तैयार है। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। इस लहसुनी भुना मुर्ग को आप सर्व करें थोड़े राइस और गर्मा गर्म रोटियों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। मेरे चैनल किचन फ्लेम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई कैच यू गाइज अगेन एक और नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन, दिस इज़ अक्षय साइनिंग ऑफ।